हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बनाना शुरू करें। आज हम बनाएंगे छुहारा और किशमिश की मीठी चटनी। मीठी चटनी बनाने के लिए हमने ये 20 छुहारा 5-6 घंटे पहले भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल गए हैं इस तरह से। अब हम इसके बीज निकाल देंगे। इस तरह से हम सारे बीज इसके निकाल देंगे। इसी तरह से हम काट के सब बीज निकाल देंगे छुहारे के। छुहारे के बीज हमने सारे निकाल दिए हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। आधी कटोरी किशमिश ली है हमने, इसको भी भिगो दिया था छुहारे के साथ। इसको भी हम पीस लेंगे इसी में। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। छुहारा और किशमिश हमारा अच्छे से पिस गया है। अब इसकी हम चटनी बनाएंगे। आई हमने पहले से रख दी है। इसमें हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है ऑयल। ये गर्म हो गया है। इसमें हम हाफ टी स्पून डाल देंगे सौंफ। हाफ टी स्पून डाल देंगे जीरा। थोड़ी सी हींग डाल देंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जीरा और सौंफ हमारी अच्छे से भून गई है। अब इसमें जो हमने छुहारा और किशमिश पीस के रखी थी इसको डाल देंगे। स्वाद अनुसार डाल देंगे काला नमक। अब इसमें हम हाफ टी स्पून डाल देंगे रेड चिली पाउडर। कलर के लिए हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, सबको हम छुहारे के साथ जो है भून लेंगे। अब इसमें हम आधी कटोरी डाल देंगे पानी। आधी कटोरी हम गुड़ डाल देंगे इसके अंदर। 1 टेबल स्पून डाल देंगे अमचूर पाउडर। अब इन सबको हम 5-7 मिनट तक पका लेंगे, फिर हमारी चटनी बन जाएगी। गैस हम ऑफ कर देंगे। ये चटनी बन गई है हमारी। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। छुहारे और किशमिश की चटनी बनके हमारी रेडी है। लोगों को हमारे
हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।